सभी को नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। हम भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ में हम काम कर रहे हैं। हम आदरणीय माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत जी पाटिल एवं हमारे जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप जी भंडारी, जो बुलंद तोप की तरह हमारा काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी 4-5 दिन पहले जो एक न्यूज़पेपर में बातमी आई थी कि जैन समाज 19% मांसाहार है, उसके विरोध में हमने ये पत्रकार परिषद ली है और इसका हम निषेध करते हैं। मैं महावीर भंसाली, प्रदेश महामंत्री भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र राज्य एवं उपाध्यक्ष ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, सदस्य जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एक चौंकाने वाला और ना समझ भरी एक सर्वे सामने आया, जिसमें बताया गया कि भारत भर में कौन कौन सी जाति समाज के लोग शाकाहार और मांसाहार है, जिसमें ये बताया गया कि जैन समाज के लोग 19% मांसाहार है, जबकि जैन समाज 100% शाकाहारी है। भगवान महावीर स्वामी का है, जियो और जीने दो, तो जैन समाज कभी मांसाहार नहीं होता है, जैन समाज 100% शाकाहारी, ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। सारा जैन समाज भारत माता का सम्मान करता है, उस धरती को सदैव नमन करता है, उसे पूजता है, देशभक्त के लिए कई मिसालें दी जाती है। जैन समाज में पूरे विश्व के सभी के साथ भाईचारे के साथ रहना पसंद करा है, सदैव मदद के लिए आगे रहता है, फिर जैन समाज के साथ तो ऐसा घोर अन्याय क्यों? प्रथम सारे विश्व का जैन समाज ऐसे घिनौने षड्यंत्रपूर्वक बनाए गए सर्वे का निषेध करते हैं, निंदा करते हैं। सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि ऐसा सर्वे करने की योजना किसने बनाई। भारत के हर समाज के लोग बड़े आनंद से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और बीच में ऐसे सर्वे की जरूरत क्यों आनी पड़ी कि जिसमें जैन समाज की ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी हो, जैन समाज की इमेज खराब हो, जैन समाज को कैसे नीचे दिखाया जाए, इसका पूरा ध्यान रखते हुए एक ऐसी सोच समझ साजिश के तहत ऐसा सर्वे सामने लाया गया और न्यूज़पेपर ने उसे बड़ी हेडिंग के साथ हर पेपर में छापा गया। जैन समाज को केंद्र सरकार ऐसी गलती कैसे कर सकता है, ये अचंभे में डालने वाली बात साबित हो रही है। ऐसा सर्वे करने का क्या प्रयोजन है और किसके कहने पर बात आगे बढ़ेगी जिसमें ये सर्वे करने की मंशा है, इसका ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में हजारों साल से जैन समाज राष्ट्र निर्माण, मानवता, बंधुत्व, एकता, त्याग, अहिंसा की सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष में उसे अपना तो भी है, इसके अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों पर आज भी दर्ज है। और आज के दौर में संपूर्ण राष्ट्र को पता है कि जैन समाज भारत के सालाना इनकम टैक्स में 24% टैक्स जमा कराता है, तो पूरे भारत में कितने सारी इंडस्ट्रीज, छोटे बड़े उद्योग, व्यवसाय जगत, कॉरपोरेट्स आदि क्षेत्रों में जैन समाज नौकरियाँ प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट देता, जनरेट करता है। जैन समाज ना जात देखता है, ना पात देखता है, हर एक को नौकरी, हर एक के साथ भाईचारे की बात करता है, तो जैन समाज के साथ ये घोर अन्याय क्यों हुआ? सारा जैन समाज तन मन धन से दान पुण्य के कार्यों द्वारा, सोशल ऑर्गेनाइज के द्वारा अनेक समाज राष्ट्र उपयोगी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करता है, फिर भी जैन समाज को क्यों टारगेट किया जाता है ये हमको समझ में नहीं आता है। इसके मॉरल वैल्यू को क्यों खेला जाता है, इस तरह को क्यों जलील किया जा रहा है? अभी हाल में ही जब 2 साल पहले कोरोना हुआ तभी जैन समाज ने पूरे इंडिया में कितना सपोर्ट किया वो भी आप देख लीजिए, तो हमारा जैन समाज मांसाहार कहाँ से बन सकता है? ये मांसाहार का शब्द आने से ही हमको मुँह से बोलने के लिए भी हमें पाप लगता है। हमारे गुरु महाराज मुँह को मुँहपत्ती लगाते हैं कि जिससे कोई जीव जंतु भी ना मरे, इसलिए इतना कीड़े मकोड़े के भी ध्यान देखते हैं। तो ये हमारे जैन समाज को मांसाहार का बदनाम क्यों किया जा रहा है? ये जो सर्वे किया गया कितने लोगों का मत लेकर किया गया? इस सर्वे में ऐसे कौन समझदार लोग थे जिनको जैन समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी थी? जैन समाज के पर्टिकुलर सरनेम जो अन्य समाज में भी पाए जाते हैं उसकी भी जानकारी थी क्या? ऐसा लग रहा है अज्ञानी और गैर जिम्मेदारी लोगों की टीम द्वारा आधा अधूरा समाज के प्रति देश भ्रम निर्माण करने वाले, जैन समाज की प्रतिमा मलिन करने वाले रात के नींद में या रात की पार्टियों में बैठ के ये सर्वे किस तरह का एक काम पूरा किया जाए, इस मानसिकता के साथ किया होगा? इस सर्वे में कौन कौन से तथ्यों को सामने रखते हुए कौन से मापदंड अपनाए गए, कितने लोगों से बात की गई? हमारे जैन समाज में 45 लाख जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ 1200 लोगों का सर्वे किया गया, उसमें से ये निष्कर्ष निकाला गया, उसमें भी जैन समाज की जाति के सरनेम एक होने से अनेक समाज में भी है, तो वो भी उन्होंने चेक करा किया, तो ये जैन समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? कौन कौन से प्रश्न के आधार पर 19% आंकड़ा सामने आया? प्रश्न बनाने वाला कौन था, पूछने वाला कौन था, ये कैसी सोच लेकर काम को आगे बढ़ाया? इस सर्वे से हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या साबित करना है, उसकी मंशा क्या है, ये पता चलना चाहिए। यदि ये नहीं रोका गया, ये सर्वे वापस नहीं लिया गया, तो हमारे जैन समाज के जो हमारे ज्येष्ठ नेते जैसे आदरणीय श्री राजेंद्र जी दादा, सुभाष जी झाम्बर, हमारे यहाँ के झूमरलाल जी पगारिया, विनोद जी बोकड़िया, संजय जी संचेती, रवि जी मुगदिया, ऐसे अनेक नेते, प्रशांत जी आदरणीय श्री आमदार प्रशांत जी बम, चैन सुख जी संचेती,
ललित जी गांधी और हमारे जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी भंडारी, इसके बारे में पूरे हम नहीं कुछ हुआ तो हम रोड पे उतरने वाले हैं और इस न्यूज़पेपर की हम होली करने वाले हैं। हमारी सबसे विनती है कि इसको वापस लिया जाए। मैं सभी मीडिया वालों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से निवेदन करता हूं, ऐसे धार्मिक सर्वों को सदा प्रचारित ना करें और जैन समाज की हो रही बदनामी को रोकें। मेरे माननीय प्रधान लाड़के श्री नरेंद्र भाई मोदी, हेल्थ मिनिस्टर एवं हमारे संभाजी नगर के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब को विनती करता हूँ कि जैन समाज से विनती करता हूँ, ऐसे सर्वे को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। ऐसे सर्व टीम द्वारा जैन समाज की जाहिर माफ़ी मांगे और ऐसे समाज विघात लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें एक मिसाल कायम होगी। ऐसे भ्रामक सर्वे का इसमें कोई स्थान नहीं है और इसमें हमारे साथ में और भी हमारे एरिया के नगर सेवक प्रशांत जी देसड़ा, इनसे भी बात हुई है और हमारे जो जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री संदीप जी भंडारी भी इस टीम में पूरी तरह उतरे हुए हैं। जैन समाज में कहीं भी कुछ भी तकलीफ आए तो हम सब लोग साथ में हैं, हम सब लोग साथ में खड़े हैं। हम न पार्टी का देखते न कुछ देखते, पर हमारे समाज पे आपत आई तो हम रोड पे उतरेंगे और हमारे साथ में अभी खास करके हमारे दोस्त और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नबी भाई पटेल और हमारे साथ में जैन प्रकोष्ठ के सचिव श्री विनोद जी गंगवाल भी हमारे साथ में हैं। इसी तरह मेरा लड़का हर्ष भी इसके साथ में है और ये भी ये कार्य करना देखते हैं कि जैन समाज को कोई हानि न हो, जैन समाज के ऊपर कोई अंगुली न उठाए। यदि अंगुली उठाए जैन समाज जितना शांतता प्रिय है, पर जितना यदि उनके साथ उनके ऊपर कुछ आस आएंगी तो जैन समाज किसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए सभी से विनती है कि इस सर्वे को पीछे लिया जाए और इस सर्वे को या तो रिपीट कराकर अच्छा करा जाए कि जिसमें जैन समाज मांसाहार रह गया। और ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जैन समाज मांसाहार नहीं है, जैन समाज 100% साकार है। हमको कंदमूल भी वर्जित है, कंदमूल तक हमारे समाज में बहुत कम लोग खाते हैं इसलिए वो भी वर्जित है, तो नॉन वेज का कहीं सवाल ही नहीं आता है। आप मीडिया वालों से भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ज़्यादा लोकप्रिय न करें और इस सर्वे को पीछे लेने के लिए आप भी हमारा सपोर्ट करें और हमारे साथ रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। नमस्कार, मी नबी पटेल, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, महावीरजी भंसाली, जैन प्रकोष्ठ महामंत्री महाराष्ट्र प्रदेश यांनी जो मुद्दा हातात घेतला की जैन समाज हा 100% शाकाहारी आहे, परंतु एका प्रसिद्ध वृत्तपत्रामध्ये अशी बातमी आली की जैन समाज हा सुद्धा मांसाहारी आहे। ही बातमी ऐकून संपूर्ण जैन समाज, महाराष्ट्राचा संपूर्ण जैन समाज हा त्यांच्या भावनेशी खिलवाड होत असल्याचं त्यांना समजून आलं। तर मी संपूर्ण जैन समाज आणि महावीरजी भंसाली आणि भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही जे काम करता ही प्रत्येकाची भावना असते, तर जिथं कुठं आमची गरज पडेल, जिथं जिथं आमची गरज पडेल तिथं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चा तुमच्या सोबत आहे। आमच्या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष हाजी एजाज देशमुख साहेब, मी प्रदेश उपाध्यक्ष आणि संपूर्ण आमची अल्पसंख्याकची टीम मोर्चा प्रदेश आणि जी आवश्यकता भासेल असं आम्ही सदैव तुमच्या सोबत आहे। तुमच्या प्रत्येक सुख दुःखामध्ये आम्ही सहकार्य करू ही मी त्यांना गवाही देतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश से लेकर शहर तक हर खबर आप तक, सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।